An ellipse of major axis of 20 root 3 and minor axis is 20 slides along the coordinate axes and always remain confined in the first quadrant. ठीक है, ये अपने पास गिवन है कि coordinate axis पे ये ellipse जो है ये slides कर रही है और ये always first quadrant में ही contain हो रही है. तो the locus of center of ellipse therefore describe an arc of a circle then length of arc. ठीक है, तो जो center होगा इलिप्स के लिए उसका जो लोकस, अगर ये मूव कर रहा, अगर इलिप्स मूव कर रहा है तो उसका सेंटर भी मूव करेगा. तो उसके अगर अपन लोकस निकाले तो वो एक सर्कल के आर्क को रिप्रेजेंट करती है. तो उस आर्क की लेंथ बतानी है. ठीक है, लेट्स से मैं यहाँ पे एक जनरल, अब इन्होंने क्या बोला है कि मेजर एक्सिस का लेंथ यहाँ पर अगर अपन देखें तो मेजर एक्सिस के लिए लेंथ के लिए अपन क्या फॉर्मूला पुट करते हैं, 2a. ठीक है, मेजर एक्सिस के लिए लेंथ अपन लिखते हैं 2a और 2a की वैल्यू क्या है यहाँ पे 20√3. तो a की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे 10√3. ठीक है, और माइनर एक्सिस की लेंथ अगर अपन देखें इलिप्स के केस के लिए, ठीक है, माइनर एक्सिस के लेंथ को अपन लिखते हैं 2b और 2b की वैल्यू क्या है यहाँ पे 20 सेंटीमीटर, 20 यूनिट. तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से 10 यूनिट. ठीक है, तो a और b की वैल्यू अपने को पता लग गई इलिप्स के लिए. ठीक है, अब अगर मैं इसके लिए एक जनरल डायग्राम ड्रॉ करूँ इन बिटवीन, तो यहाँ से अगर अपन देखें तो कोऑर्डिनेट एक्सिस पे मैं इलिप्स के लिए डायग्राम ड्रॉ करता हूँ फर्स्ट क्वाड्रेंट में. ठीक है, लेट्स से मैंने कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ किया है और इसके फर्स्ट क्वाड्रेंट में अपन ने एक इलिप्स ड्रॉ किया है जो कि यहाँ पे स्लाइड कर रही है. ठीक है, तो ये इसका कोई एक इंटरमीडिएट पोजीशन है. ठीक है, तो इसके फोकस को लेट्स से अपन क्या बोल दें यहाँ पे, इसके फोकस लेट्स से ये क्या है S1 और ये फोकस इसका क्या होगा S2 और इसका सेंटर क्या होगा यहाँ पे, सेंटर क्या होगा, सेंटर को लेट्स से मैं C से रिप्रेजेंट करता हूँ. तो S1 के कोऑर्डिनेट अगर अपन बोले, अगर मैं S2 से यहाँ पे अगर अपन बोले, अपन फोकस के कोऑर्डिनेट्स को लेट्स से S1 के कोऑर्डिनेट को अपन क्या बोल एज्यूम करें, S1 के कोऑर्डिनेट को अपन एज्यूम करते हैं X1, Y1. ठीक है, जो कि वेरिएबल है. और अपन फोकस S2 के कोऑर्डिनेट्स को क्या एज्यूम करें, X2, Y2. ये भी क्या है, वेरिएबल है. और इसके इसमें सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या होगा, सेंटर का कोऑर्डिनेट होगा, सेंटर जो होता है वो फोकस का मिड पॉइंट होता है. ठीक है, सेंटर फोकस का मिड पॉइंट होता है. तो ये आ जाएगा X1 + X2 / 2 और Y1 + Y2 / 2. और सेंटर का अपने को लोकस निकालना है तो उसको अपन क्या बोल दें, H, K. ठीक है, तो H, K ये आ गया. अब अपने पास S1 S2 के बीच की डिस्टेंस क्या होती है, अगर अपन देखें तो फोकस के बीच की डिस्टेंस क्या होती है एलिप्स के केस में, S1 S2 की वैल्यू जो होती है वो होती है अपने पास किसके इक्वल, ये सेंटर से, इसकी सेंटर से एक फोकस की डिस्टेंस क्या होती है AE. ठीक है, और ये डिस्टेंस भी क्या होती है AE. तो फोकस के बीच की डिस्टेंस क्या हो जाती है अपने पास, ये हो जाती है 2AE. ठीक है, तो फोकस के बीच की डिस्टेंस हो जाती है अपने पास 2AE. और दूसरा प्रॉपर्टी अपन क्या जानते हैं, अगर फोकस से अपन किसी भी टेंजेंट पर अगर अपन परपेंडिकुलर ड्रॉप करें तो उसका प्रोडक्ट जो होता है वो क्या होता है, B² = ठीक है. अब एक्स एक्सिस क्या है, इलिप्स के लिए टेंजेंट है. यहाँ से अगर मैं इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करूँगा, ठीक है, ये टेंजेंट हो गया यहाँ पे, तो ये परपेंडिकुलर होगा. तो किसी भी टेंजेंट पर अगर अपन दोनों फोकस से परपेंडिकुलर ड्रॉप करें और उस डिस्टेंस का मल्टीप्लीकेशन अगर अपन बोले तो उसका वैल्यू क्या होता है, B², ये कॉन्स्टेंट वैल्यू होता है. ठीक है, तो ये क्या है यहाँ पे, इसके लिए अगर अपन देखें तो S1 के लिए क्या है, ये Y कोऑर्डिनेट है. ठीक है, तो ये क्या है यहाँ पे Y कोऑर्डिनेट है. और S2 के लिए ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये Y2 वैल्यू है, इसका Y कोऑर्डिनेट है. ठीक है, तो यहाँ से अपन क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉन ऑन एनी टेंजेंट फ्रॉम फोकस उसका प्रोडक्ट क्या होता है, B² = यहाँ से Y1 × Y2 इसकी वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, B² = सिमिलरली अपन बोल सकते हैं कि वाई एक्सिस भी क्या है, इसके लिए टेंजेंट है. तो वाई एक्सिस पे भी अगर अपन फोकस से परपेंडिकुलर ड्रॉप करें, ठीक है, अगर अपन ये परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिए क्या है, ये X1 के इक्वल है. और अगर अपन S2 से इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करें, ठीक है, S2 से अगर अपन इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करें, ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा अपने पास X2 के इक्वल. ठीक है, इसका X कोऑर्डिनेट. तो यहाँ से X1 X2 की वैल्यू अपन क्या बोल सकते हैं, X1 X2 की वैल्यू भी अपन क्या बोल सकते हैं, B² = ठीक है. और बी की वैल्यू पता है, ए की वैल्यू पता है, तो ये क्या आ जाएगा यहाँ पे, B² की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे 100 और यहाँ पे B² की वैल्यू क्या हो जाएगी 100. S1 S2 के बीच की डिस्टेंस अगर अपन कैलकुलेट करें तो ये अपन डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे, S1 S2 का अपने को पता है, पॉइंट्स कोऑर्डिनेट्स पता है, तो ये X1 - X2 क्या लिखेंगे, होल स्क्वायर प्लस Y1 - Y2 होल स्क्वायर. यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये स्क्वायर रूट इजकल्स टू 2AE, ये आ जाएगा 2AE. अब अपन इसेंट्रिसिटी की वैल्यू यहाँ पे पुट करें, इसेंट्रिसिटी इलिप्स के केस में क्या होता है, इसेंट्रिसिटी इलिप्स के केस में होता है 1 - B² / A² ठीक है, का स्क्वायर रूट. ठीक है, यहाँ से अगर अपनी
इसकी वैल्यू को सिंप्लीफाई करो तो होल स्क्वायर कर देते हैं बोथ साइड, तो होल स्क्वायर अगर अपन करें तो यहाँ से रिजल्ट आ जाएगा एक्स वन माइनस एक्स टू का होल स्क्वायर प्लस वाई वन माइनस वाई टू का होल स्क्वायर इजिकल्स टू, ये आ जाएगा अपने पास फोर ए स्क्वायर ए स्क्वायर, ठीक है, फोर ए स्क्वायर ए स्क्वायर। अब अपन इसकी वैल्यू पुट करते हैं, ठीक है, तो ये आ जाएगा अपने पास एक्स वन माइनस एक्स टू के होल स्क्वायर, अपन क्या लिख सकते हैं एक्स वन माइनस एक्स टू के होल स्क्वायर को अपन क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं अपन एक्स वन प्लस एक्स टू का होल स्क्वायर, और इसको लिखेंगे अपन माइनस ऑफ टू एक्स वन एक्स टू, एक्स वन प्लस एक्स टू का होल स्क्वायर माइनस ऑफ टू, ठीक है, यहाँ से इसकी वैल्यू अगर अपन देखें तो इसको अपन लिखेंगे माइनस ऑफ फोर, ठीक है, एक्स वन प्लस एक्स टू का होल स्क्वायर माइनस फोर एक्स वन एक्स टू प्लस, सिमिलरली वाई वन माइनस वाई टू के होल स्क्वायर को अपन क्या लिख सकते हैं वाई वन प्लस वाई टू का होल स्क्वायर, और इसको लिखेंगे माइनस फोर वाई वन वाई टू इजिकल्स टू क्या आ जाएगा यहाँ पे, ये आ गया अपने पास फोर ए स्क्वायर की वैल्यू। अब अपन इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है, यहाँ से अगर मैं एक्स वन प्लस एक्स टू की वैल्यू देखूँ तो उसको अपन क्या लिख सकते हैं टू एच, और वाई वन प्लस वाई टू की वैल्यू को टू के लिख सकते हैं, ठीक है, तो मैं यहाँ से एच और के को रिप्लेस कर देता हूँ एक्स वन एक्स टू के टर्म्स में, ठीक है, तो एक्स वन प्लस एक्स टू की वैल्यू को टू एच पुट कर दे अपन यहाँ से, तो ये वैल्यू आ जाएगा टू एच होल स्क्वायर माइनस फोर टाइम्स ऑफ, ठीक है, माइनस फोर टाइम्स ऑफ एक्स वन एक्स टू की वैल्यू क्या है अपने पास हंड्रेड, तो आ जाएगा फोर इंटू हंड्रेड प्लस वाई वन प्लस वाई टू की वैल्यू को अपन क्या लिख सकते हैं टू के, तो टू के होल स्क्वायर माइनस फोर टाइम्स ऑफ वाई वन वाई टू मीन्स हंड्रेड इजकल्स टू, ये आ जाएगा फोर ए स्क्वायर, यहाँ से अगर अपन इसकी वैल्यू देखें तो ये आ गया फोर एच स्क्वायर प्लस फोर के स्क्वायर, और ये माइनस फोर हंड्रेड माइनस फोर हंड्रेड माइनस एट हंड्रेड इजकल्स टू फोर इंटू ए स्क्वायर, और ए स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे टेन रूट थ्री का होल स्क्वायर, तो आ जाएगा थ्री हंड्रेड इंटू ए स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे, ए स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी वन माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, तो वन माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, इसको अगर अपन सिंप्लीफाई करें तो आ जाएगा फोर इंटू थ्री हंड्रेड टाइम्स ऑफ वन माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू क्या है हंड्रेड, बी स्क्वायर की वैल्यू हंड्रेड और ए स्क्वायर की वैल्यू क्या है यहाँ पे थ्री हंड्रेड, तो इसकी वैल्यू क्या होगी यहाँ पे, ये आ जाएगा फोर इंटू थ्री हंड्रेड इंटू टू हंड्रेड डिवाइडेड बाई थ्री हंड्रेड, तो थ्री हंड्रेड से थ्री हंड्रेड कैंसिल हो गया और ये वैल्यू क्या आ गया इस साइड राइट हैंड साइड आ गया ये एट हंड्रेड। तो बेसिकली ये जो सॉल्व हो के आ गया यहाँ से अगर मैं इसको इसका फाइनल सॉल्यूशन देखो तो ये आ जाएगा फोर एच स्क्वायर प्लस फोर के स्क्वायर माइनस ऑफ एट हंड्रेड इजिकल्स टू एट हंड्रेड, तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगा फोर एच स्क्वायर प्लस फोर के स्क्वायर इजिकल्स टू सिक्सटीन हंड्रेड, ठीक है, तो यहाँ से अपने पास लोकस आ गया। अगर मैं फोर से डिवाइड कर दूँ और एच को एक्स वाई से रिप्लेस कर दूँ तो यह आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इजिकल्स टू फोर हंड्रेड, तो ये अपने पास क्या आ गया लोकस आ गया। इसके सेंटर का जो लोकस होगा वो क्या होगा, एक सर्कल को रिप्रेजेंट करेगा जिसका सेंटर क्या है, अगर मैं इस सर्कल के लिए सेंटर की वैल्यू देखूँ तो सेंटर क्या है इसके लिए, सेंटर जीरो कॉमा जीरो है, और अगर रेडियस की बात करें जिसको अपन आर से रिप्रेजेंट करते हैं ये क्या है अपने पास 20 यूनिट, ठीक है। अब अपने को डिनोट करना है कि ये कंप्लीट सर्कल तो फॉर्म नहीं करेगा, बस एक पार्ट ऑफ आर्क ड्रॉ करेगा, जो इसका सेंटर है वो एक पार्ट ऑफ आर्क ड्रॉ करेगा, अगर वो पार्ट ऑफ आर्क ड्रॉ करेगा तो अपने को उस आर्क की लेंथ बतानी है, ठीक है। यहाँ से अगर मैं इसके लिए कोऑर्डिनेट एक्सिस पे इस सर्कल को ड्रॉ करूँ, ठीक है, तो एक्सट्रीम केस में क्या होगा, लेट से अगर मैं ये पहले मैंने क्या किया, ये लोकस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 400 जो सर्कल है उसको ड्रॉ कर दिया, एक्सट्रीम केस में क्या होगा, एक्सट्रीम केस में इलिप्स इस केस में होगा वर्टिकल शेप में होगा, और इलिप्स का सेंटर कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, ठीक है, इलिप्स का सेंटर जो होगा वो यहाँ होगा, ठीक है, तो ये मैं यहाँ पे इसके सेंटर को क्या मार्क कर देता हूँ, इसके पोजीशन को लेट से यहाँ पे C1 मार्क करता हूँ, ठीक है। इस केस में जो इसका कोऑर्डिनेट होगा, ठीक है, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, एक्स कोऑर्डिनेट तो ये होगा, ठीक है, एक्स कोऑर्डिनेट इसका जो होगा वो क्या होगा, ये होगा, ठीक है, और ये क्या है, ये टोटल होती है क्या, टोटल ये लेंथ टोटल होती है बी टू बी सॉरी, ठीक है, इस केस में टोटल ये लेंथ क्या होती है, माइनर एक्सिस की लेंथ क्या होती है बी टू बी, इसकी आधी लेंथ क्या होगी बी, ठीक है, तो एक्स कोऑर्डिनेट इस केस में क्या आ गया इसका बी, और वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, ये टोटल लेंथ होती है टू ए, ठीक है, ये टोटल मेजर एक्सिस जो होती है वो लेंथ क्या होती है, टोटल लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस टू ए, तो इस केस में इसका कोऑर्डिनेट्स क्या होगा बी कॉमा ए, ये तो एक्सट्रीम केस हो गया। अब दूसरा केस ये होगा जब इसका सेंटर यहाँ कहीं पर होगा और इलिप्स जो होगा वो क्या होगा हॉरिजॉन्टल होगा, ठीक है, दूसरा केस होगा क्या, इस केस में जो इलिप्स होगा इलिप्स के केस में क्या होगा, इलिप्स हॉरिजॉन्टल होगा, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को टच करेगा, और इसका इस केस में अगर अपन इंटरसेप्ट बोलेंगे तो अगर मैं इलिप्स को ड्रॉ करूँ, लेट से यहाँ पे मैं इसका ये अगर मैं इसके लिए इलिप्स ड्रॉ करूँ, लेट से ये इसके लिए क्या होगा, जब इलिप्स क्या होगा हॉरिजॉन्टल होगा, ठीक है, तो ये इसके लिए पर्टिकुलर केस हो गया। तो इस केस में जो इलिप्स रहा होगा वो ऐसे रहा होगा स्लाइड कर रहा था, तो इस केस में जो इसका एक्स कोऑर्डिनेट होगा सेंटर का, लेट से इस पॉइंट को अगर मैं सेंटर सी टू बोलूँ,
सी टू बोलो, सी टू पोजिशन सेंटर के लिए, तो इसके लिए इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, सेमी माइनर एक्सिस, मतलब इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, ए कॉमा बी। तो जो आर्क बन रहा है अपने पास सर्कल के लिए, अगर मैं बोलूँ आर्क जो बनेगा वो क्या बनेगा, वो बेसिकली सी वन से सी टू लेंथ जो लोकस होगा सेंटर का वो सी वन से सी टू वेरी करेगा, ठीक है, जो लोकस होगा सेंटर का वो सी वन से सी टू वेरी करेगा। अब अगर अपन देखें यहाँ से सी वन से सी टू कितना एंगल है, अगर एंगल पता लगे तो अपन इस आर्क की लेंथ बता सकते हैं। तो एंगल के लिए लेट से अपन क्या बोल देते हैं, ये केस हो गया सी वन सी टू के लिए और ये केस क्या हो गया सी वन के लिए, ठीक है, ये हो गया अपने पास सी टू और सी वन के लिए केस हो गया, ठीक है। अगर मैं यहाँ से देखूँ सी वन सी टू के लिए अगर केस, तो मैं यहाँ ओरिजिन से सी वन को ज्वाइन सी टू को ज्वाइन कर देता हूँ और ओरिजिन से मैं सी टू को ज्वाइन कर देता हूँ, और इस एंगल को मैं वो क्या बोल दूँ अल्फा बीटा बोल देता हूँ, ठीक है। इस एंगल को लेट से मैं क्या बोल दूँ यहाँ पे, इसके लिए जो एंगल है वो क्या है अल्फा, और इसके लिए अगर अपन एंगल बोले तो वो क्या है बीटा। तो सी टू के लिए कोऑर्डिनेट्स अगर मैं बोलूँ तो सी टू के लिए ए कॉमा बी और सी वन के लिए कोऑर्डिनेट्स क्या है बी कॉमा ए, और ए की वैल्यू क्या है यहाँ पे, ए की वैल्यू थी अपने पास टेन ऑफ रूट थ्री, टेन ऑफ रूट थ्री कॉमा टेन, और यहाँ पे इसका कोऑर्डिनेट्स क्या होगा, बी की वैल्यू टेन थी और ए की वैल्यू टेन ऑफ रूट थ्री। तो यहाँ से अगर अपन मैं इसके लिए सी टू के लिए अपन ने क्या बोला है, सी टू के लिए अल्फा बोला है, तो टेन अल्फा क्या आ जाएगा यहाँ पे, ये वैल्यू आ जाएगा टेन अपॉन टेन रूट थ्री, और इसके लिए अगर अपन टेन बीटा बोले तो टेन बीटा क्या आ जाएगा, टेन बीटा हो जाएगा टेन रूट थ्री अपॉन टेन, ये अपन इसके स्लोप से अपन निकाल रहे हैं, ठीक है। तो ये वैल्यू क्या आ जाएगा यहाँ से, ये वैल्यू आ जाएगा टेन अल्फा की वैल्यू क्या आ गई, टेन अल्फा की वैल्यू आ जाएगी वन बाय रूट थ्री, और अपन टेन बीटा की वैल्यू बोले तो ये क्या आ गया रूट ऑफ थ्री। तो अल्फा की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई इसके लिए 30 डिग्री और बीटा की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई यहाँ पे 60 डिग्री। तो आर्क आर्क जो होगा यहाँ पे, आर्क के लिए जो एंगल होगा, अगर मैं इस आर्क के एंगल को लेट से अगर अपन थीटा बोल दे, तो थीटा की वैल्यू क्या होगी इस केस में, थीटा की वैल्यू हो जाएगी बीटा माइनस अल्फा, तो ये आ जाएगा अपने पास 30 डिग्री, ठीक है। अब अपन आर्क लेंथ निकाल सकते हैं, सी वन सी टू की आर्क लेंथ अपन निकाल सकते हैं। तो सी वन सी टू आर्क लेंथ जो होगा वो क्या होता है आर थीटा, ये क्या होता है आर इंटू थीटा, ठीक है। तो यहाँ से अगर अपन रेडियस देखिए सर्कल के लिए, तो रेडियस आ गया था अपने पास 20 यूनिट, ठीक है, तो रेडियस आ गया 20 यूनिट, और थीटा क्या आया अपने पास, थीटा आया है 30 डिग्री, ठीक है। तो 30 डिग्री अगर अपन रेडियन में कन्वर्ट कर दे तो 30 इंटू पाई अपन 180 होगा यहाँ पे, इसकी वैल्यू अगर अपन देखें तो ये आ जाएगा 36 आ जाएगा यहाँ पे, और ये आ जाएगा 10 और ये आ जाएगा 3। तो जो आर्क लेंथ होगा वो अपने पास आ जाएगा 10 पाई बाय 3 यूनिट, ठीक है।